लिए तो तुमने बहुत अच्छा किया, जाते ही उनको अपना असली रूप दिखा दिया। अब तुमसे दोबारा उलझने की कोशिश भी नहीं करेंगी मामेडियां। अरे उस बुढ़िया की तुमसे जरा भी परवाह नहीं है, बेचारी मासूम ही है, सीधी सादी। और वो छोटी, उसकी भी फिक्र नहीं है, वो भी सीधी है, भाभी भाभी करती रहती है। असल डायन तो वो बड़ी वाली चुड़ैल है जो हर दूसरे दिन मैके आ जाती है, इसका कुछ करना पड़ेगा। अरे ऐसी नंदे तो जलादन होती है, जलादन, ख्याल रख इससे। तो मैं क्या कम हूँ, मैं भी एक डायन हूँ, किरण नाम है मेरा, तेरी बेटी हूँ, छोड़ूंगी नहीं। अगर मुझे कुछ कहा तो ऐसी हालत करूंगी दोनों माँ बेटी की कि जिंदगी भर याद रखेंगी। फायजा बेगम का इलाज करो बस, बाकियों की खैर है। तो फिक्र ना कर, एक बार मैं हनीमून से वापस आ जाऊँ फिर इसको सीधा करूंगी। और वैसे भी उसके पास है ही क्या, अच्छी जगह शादी हो गई, शौहर मिल गया, अच्छा तलवे चाटने वाला, और कुछ है उसके पल्ले? तू किसी से कम है क्या? पूरे 50 लाख लगाए तुम्हारी शादी में, जेवर अलग, कपड़े एक से एक अलग, और तो और तुम्हारे ससुरालियों के तोहफे तहाइफ इतने जिसकी इंतहा नहीं है, कम जर्फ लोग भूल गए सब क्या? ये तो बड़े ही फजूल और नाशुक्रे लोग हैं, पता नहीं किन बेकदरों में फंस गई मैं। अरे सब्र कर, कुछ ही अरसे की बात है, जरबाब से कह के अपना हिस्सा लेना और अलग हो जाना, फैक्ट्री तो पहले ही जरबाब के हाथ में है। जायदाद की बात रह जाएगी, वो तो एक दिन बंटवारा होना ही होना है। देखो मियां मुट्ठी में होना चाहिए बस, ससुराल वालों की कौन फिक्र करता है, बेवकूफ कहीं की। और ये फायजा, उसको दो टोक समझा दे एक बार कि ये घर तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारा राज चलेगा, जाए अपने घर, जाके जोर चलाए अपने शौहर पे, अपने बच्चों पे और अपने घर पे। हाय, तुझसे बात करके ना बड़ा ही सुकून मिलता है अम्मा। अरे माँ बेटियों का रिश्ता ही ऐसा होता है किरण, जब भी दिल उदास हो ना फौरन अपनी माँ को कॉल कर लिया कर, बोझल का हो जाता है ना। तुझसे बात नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी, और फिर तू सिर्फ मेरी माँ ही थोड़ी, मेरी पक्की सहेली भी है। अरे बेटा जब से तू इस घर से गई है मेरा तो किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है मेरे घर की रौनक ही चली गई। देख अब तू ऐसी बातें करेगी ना तो मैं फौरन आ जाऊंगी वहाँ, मेरा कौन सा दिल लगता है यहाँ पर। क्यों, जरबाब के होते हुए तुम्हारा दिल क्यों नहीं लग रहा? जरबाब की तो बात ही मत कर, सारा दिन फैक्ट्री में होते हैं, मेरे लिए टाइम ही नहीं उनके पास, सारा दिन काम करते रहते हैं वहाँ पर इन लोगों के अखराजात पूरे करने के लिए। तो जानती है बड़ी मुश्किल से हनीमून के लिए टाइम निकाला उन्होंने। ये लड़का तो यही मेहनत कर करके मर जाएगा, खानदान पालेगा, लेकिन मैं बता रही हूँ इन लोगों के सामने तुम्हें दबने की हरगिज जरूरत नहीं है।